खबर अलवर से। अलवर में रक्षाबंधन को पतंगों का त्यौहार माना गया है, क्योंकि अलवर में रक्षाबंधन पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। सुबह से शाम तक आसमान में पतंगें उड़ती रहती हैं। आज से 15 साल पहले जो पतंगों को लेकर उत्साह था, वह उत्साह अब दिखाई नहीं देता। पहले 20 दिन पहले से ही पतंगें उड़ा करती थी, लेकिन अब 2-4 दिन पहले से ही आसमानों में ज्यादातर पतंगें होती हैं। महंगाई की मार का दावा पतंग उद्योग पर भी किया जा रहा है। अलवर शहर में पतंगों की काफी दुकानें हैं, लेकिन दुकानदार इस बार महंगाई की मार से परेशान दिखाई दे रहे हैं। पतंगों की दुकान करने वाले दुर्गा प्रसाद ने प्रकट की चिंता। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है, दुर्गा पतंग स्टोर के नाम से मेरी दुकान है और मेरे को 13 साल हो गए हैं पतंगा काम करते हुए। और 13 सालों में मैं देख रहा हूँ जितनी मंदी इस बार है हमारे पतंगे काम में, आज से पहले कहीं भी नहीं देखी गई है। और क्योंकि महंगाई है, महंगाई के कारण इस बार पतंग का क्रेज कम देखा जा रहा है। पहले 10-15 दिन पहले बाजारों में जाम लग जाते थे पतंग के लिए, भीड़ इतनी होती थी कि जिस बहुत काफ़ी। और इस बार सिर्फ 2 दिन, आज मौसम अच्छा होने के कारण हमारे पास काम है, नहीं तो अगले 5-10 दिन से पहले से हमारे पास कोई काम नहीं था। महंगाई को देखते हुए इस बार पतंग का क्रेज कम है। कितनी वैरायटी की पतंग है आपके पास? पतंगे हमारे पास पन्नी में बरेली की पतंग है, बरेली में आँख है, चांद है, मजोला है, बरेली का अद्दा है। बच्चों की किस तरीके पिक्चर की पिक्चर की पतंग में जैसे बच्चों के लिए छोटा भीम है, डोरीमोन है, और बच्चों को जितने भी कार्टून्स आते हैं टीवी पर उन सभी के हमारे पास पतंगे हैं। और आजकल जैसे पिक्चर चल रही है KGF 2 है, फ्री फायर है, इस तरह की पतंगे हैं। की बात करें तो मंजे की वैरायटी में हमारे पास बहुत ही बढ़िया इद्रीस भाई की मंसूरी, NRK की डोर, NRK फैयाज बेग, इद्रीस भाई मंसूरी, और ARK 315, ARK अतीका। क्या रेंज रखी गई है पतंगों की? पतंगे हमारे पास बढ़िया पतंग क्वालिटी की 5 रुपये से लेकर के 50 रुपये की तक की पतंगे हमारे पास कागज में, और पन्नी के हमारे पास 3 रुपये से लेकर के और 50 रुपये तक की पतंगे हैं बढ़िया। पब्लिक का इस बार अच्छा रुझान नहीं है, महंगाई को देखते हुए इस बार पतंग का काम कम ही है।